अस्सलाम वालेकुम। रिगार्ड्स ऑफ स्पीच में आज का टॉपिक है एलिट्रेशन। व्हाट इज एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है कि जिसमें किसी भी सेंटेंस में या किसी भी फ्रेज में ऐसे वर्ड्स आते हैं बार बार के जिनका शुरुआत का साउंड बिगिनिंग साउंड एक जैसा है, तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाएगी? एलिट्रेशन। याद रखिए यहाँ पर साउंड रिपीट होता है। एलिट्रेशन में क्या रिपीट होता है? साउंड रिपीट होता है। हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ब्लैक बग बीट अ बिग बियर। ब्लैक बग बीट अ बिग बियर। इन दिस सेंटेंस वी कैन सी द साउंड ऑफ बी इज रिपीटेड। ब्लैक बग बिग बियर द साउंड ऑफ बी बी लेटर बी इज रिपीटेड। यहां पर बी का साउंड रिपीट हुआ है। वी कैन से एलिट्रेशन इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस। अनदर एग्जाम्पल इज Sheep should sleep in a shed. Sheep should sleep in a shed. In this sentence, repetition of SH can be seen. The sound of SH is repeated in this sentence. Sheep should shed. SH का sound जो है यहाँ पर repeat हुआ। Sheep शुड और शेड, ये तीन वर्ड्स ऐसे है जिसमें साउंड था। एक बात समझ लीजिए कि लेटर्स के रिपीट होने से एलिट्रेशन नहीं होता, साउंड रिपीट होना चाहिए। क्योंकि यहां पर स्लिप था, एस 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 एस, यहां स्लिप एस का साउंड नहीं रिपीट हुआ, यहां एस एच का साउंड रिपीट हुआ। लेटर्स के रिपीट होने से फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज है कि साउंड रिपीट होना चाहिए। तो इन दिस सेंटेंस द साउंड ऑफ एस एच इज रिपीटेड। वी कैन से एलिट्रेशन इज यूज इन दिस सेंटेंस। अनदर एग्जाम्पल्स आर गो एंड गैदर द ग्रीन लीव्स ऑन द ग्रास। यहां पर जी का साउंड रिपीट हुआ है। गो गैदर ग्रीन ग्रास, द साउंड ऑफ जी इज रिपीटेड। हम कह सकते हैं कि यहां पर रिपीटेशन, यहां पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। एलिट्रेशन। प्लीज पुट अवे योर पेंट्स। द साउंड ऑफ पी इज रिपीटेड इन दिस सेंटेंस। प्लीज पुट पेंट्स, द साउंड ऑफ पी इज रिपीटेड। सो वी कैन से एलिट्रेशन इज यूज इन दिस सेंटेंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली।